एडीजी जोन कार्यालय पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने ध्वजारोहण किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान ही आदर्श का मूल बताता है, जिसके आधार पर यह देश चलता है और उसमें पुलिस विभाग एक अहम विभाग है, क्योंकि मुख्य दायित्व आदर्श मूल्यों का पालन करना होता है। आज का दिन सभी पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और सभी आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने के लिए और पालन करने के लिए लगातार प्रगतिशील रहें और पूरे मनोयोग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो अच्छे कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं उनको विभाग चिन्हित करके सम्मानित करता है। आज के दिन मेरे द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अजय सिंह को राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारा लोक संविधान है उसको देश ने अडॉप्ट किया था और उसी गीता का, बाइबल का, कुरान का हम पालन करते आ रहे हैं, जिसके हमारा देश चल रहा है। आज हमें पूरे हर्षोल्लास के साथ और गौरवान्वित होना चाहिए कि यह लोकतंत्र की जो एक मूल रूप होता है कि वह एक डॉक्यूमेंट, एक प्रिंसिपल्स, एक वैल्यूज़ के गवर्न की जाती है। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद 74वीं रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज वो दिन है जब हम उन मूल आदर्शों को याद करते हैं जिस पर यह देश स्थापित है, जिस पर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सामाजिक समलता की बात करते हैं। आज हम पुलिस में खास करके हमारा दायित्व और बढ़ जाता है और इसलिए हम ज़्यादा गौरवान्वित भी होना चाहिए कि देश के नागरिकों ने हमें इस वर्दी को पहनने का मौका दिया। जब आप ये वर्दी पहनते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप संविधान और देश के कानून के पालन करता है। आप पे ये जिम्मेदारी है देश के नागरिकों की कि जिस संविधान के अंतर्गत ये देश चल रहा है उस संविधान के आदर्शों, प्रिंसिपलों को हम अपहोल्ड करें। और इसीलिए पुलिस कर्मियों से अपेक्षा होती है
कि समाज में उनका जो स्तर है, उनका जो मूल्य है, वो अन्य से ऊपर है। हमें खुशी है कि आज के दिन में पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति जी के स्तर से, मुख्यमंत्री जी के स्तर से, पुलिस महानिदेशक जी के स्तर से अनेकों पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। उन सभी पुलिसकर्मियों को मुझे बधाई देना है। उनमें से हमारे बीच अजय भी हैं जो आज सम्मानित होंगे, जिन्होंने अपने अथक कर्तव्य परायणता और निष्ठा से इस विभाग की सेवा की है, उनको भी बधाई। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको रात में मेडल्स मिले हैं, अपने अपने जनपदों में मेडल पा रहे होंगे, उन सभी को बधाई। ये एक सतत प्रक्रिया है, हम सबको ये मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा काम करें और अगले 15 अगस्त और 26 जनवरी में देश और देश के नागरिक हमें सम्मानित करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिन मूल्यों आदर्शों पर यह देश स्थापित हुआ है, उसको हम बनाए रखेंगे और उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज चौथा गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम लोग उसी हर्ष और उमंग के साथ गोरखपुर में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग पहले अपने कार्यालयों पर ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद पुलिस लाइन में कार्यक्रम होगा, जहां कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम की जाएगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज संविधान ही वो आदर्श मूल्य बताता है जिसके आधार पर ये देश चलता है, और उसमें भी पुलिस विभाग एक अहम विभाग है, क्योंकि उसका मुख्य दायित्व इन आदर्शों मूल्यों को और कानूनों का पालन करना होता है। आज का दिन इसीलिए हम पुलिस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक बार पुनः एक बार रिविज़िट करें, देखें और उन आदर्श मूल्यों को स्थापित करने के लिए, उनको पालन करने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहें और पूरे मनोयोग से कार्य करें। आज कई पुलिसकर्मी हमारे पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति जी के स्तर से, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से सम्मानित हुए हैं, उन सबको बधाई। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार तत्पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में उनकी प्रेरणा से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज अपराधी भाग पड़े हैं, बिलों में घुसे हुए हैं, अब हम अगले लेवल पे जा रहे हैं कि किस प्रकार हम जो रेसिडुअल क्राइम है, छोटे मोटे अपराध हैं, उन पे भी रोकथाम लगे। एक पूरे इस माहौल में विकास का एक नया माहौल पैदा हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उस माहौल को और सुदृढ़ करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास हैं, और उसी प्रयास के तहत में गोरखपुर में एक अनूठा पहल नागरिकों ने की है, जहां उन्होंने हर चौराहों पर नागरिकों ने अपने सहयोग से, प्रधानों ने, जनप्रतिनिधियों ने CCTV लगाया है, जिससे गोरखपुर जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में पहला जनपद बन रहा है जहाँ उसके सभी चौराहे CCTV कवरेज से अंदर आ रहे हैं। ये सब पहल अन्य पहलों के साथ, जिसमें माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, ऑपरेशन शिकंजा में हम प्रमुख अपराधियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें जो संविधान के मूल आदर्श हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालन इस क्षेत्र में हो रहा है। मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ
और उसे आह्वान करता हूँ इसको पूरे खुशी से पूरे उमंग से मनाएं। देखिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है हमेशा ऐसे अवसरों पर, जो अच्छे पुलिसकर्मी होते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जिनकी थोड़ी उपलब्धियाँ अलग होती हैं, उनको विभाग पहचानता है, चिन्हित करता है। आज गोरखपुर में भी कई पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं, पूरे जोन में सम्मानित हुए हैं। उनमें से एक पुलिसकर्मी हमारे बीच में है अजय, जो नित कर्तव्य प्रतिनिधित्व और उनके कर्तव्यनिष्ठा के कारण भारत सरकार ने उनको मेडल से अलंकृत किया है, उनको हमने सम्मानित किया है। और इस प्रकार कई कर्मी हैं जिनको पुलिसकर्मियों को अलग अलग पुलिस लाइनों में पुलिस अधीक्षकों के आईजीज के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी को हम पुनः बधाई देते हैं।